वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एसेटेक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसेटेक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टिकटॉक और जो 59 ऐप्स इंडिया में बैन कर दिए हैं इंडिया गवर्नमेंट ने, क्या वो 31 जुलाई 2020 के बाद इंडिया में दोबारा वापसी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आगे की वीडियो में ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए चलिए वीडियो देखते हैं। फ्रेंड्स, क्या टिकटॉक और जो 59 ऐप्स इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किए हैं इंडिया के अंदर, क्या वो 31 जुलाई 2020 के बाद इंडिया में वापसी कर सकते हैं? जी हाँ, पॉसिबिलिटीज है टिकटॉक और पूरे 59 ऐप्स ने, लेकिन उसमें से 15-20 ऐप्स टिकटॉक के साथ वापसी कर सकते हैं। दोस्तों, टिकटॉक का जो यूज़र बेस इंडिया के अंदर है ये बहुत बड़ा है। काफ़ी लोग, करोड़ों लोग टिकटॉक को इस्तेमाल करते थे इंडिया के अंदर। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेटर्स, काफ़ी बड़े लोग टिकटॉक का इस्तेमाल करते थे और टिकटॉक का इतना बड़ा यूज़र बेस और उससे वो काफ़ी अर्न करता था टिकटॉक। तो इतनी बड़ी कंपनी अचानक से बंद नहीं हो सकती है। और जो बाकी के ऐप्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं वापस आने के। उनकी भी डेटाबेस काफ़ी अच्छा है, पर कंपैरेटिव टिकटॉक कम है। फिर भी वो टिकटॉक और वो ऐप्स जो बैन कर दिए गए, वो कोशिश कर रहे हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि वो देश के लिए कोई आंतरिक सुरक्षा का खतरा पैदा नहीं कर रहे, और जो डेटा का सवाल है, जो यूज़र्स का डेटा उनके पास है, वो सुरक्षित है। वो कोई भी डेटा लीक नहीं कर रहे जिससे कि यूज़र्स को, जो उनके ऐप के यूज़र्स को कोई खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, टिकटॉक और अन्य ऐप्स पे जो इंडिया में बैन है उन पे परमानेंट बैन नहीं लगाया इंडियन गवर्नमेंट। उनको परमानेंटली बैन नहीं कर सकती है, उनको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना होगा। टिकटॉक और अन्य ऐप्स जो बैन हुए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट को बताने की कि वो देश के लिए कोई आंतरिक सुरक्षा का खतरा पैदा नहीं कर रहे। उनका ऐप कोई देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं कर रही है। उनके ऐप बिल्कुल सेफ है और यूज़र्स का डेटाबेस भी उनके पास सेफ है, वो डेटाबेस वो लीक नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी बातचीत इंडियन गवर्नमेंट और इन कंपनियों के साथ हो रही है। तो टिकटॉक और अन्य ऐप्स जो बैन है उनको एक 77 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके सारे आंसर्स उनको देने होंगे, उत्तर देने होंगे आईटी टीम के सामने, इंडियन आईटी टीम के सामने, जो सेल है उनके सामने। यदि उनके सारे जवाब सही है और वो रूल और रेगुलेशन के, उनके रूल और रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं, तो शायद टिकटॉक और अन्य ऐप्स इंडिया में वापसी कर सकते हैं 31 जुलाई के बाद। तो चांसेस है 50-50% के चांसेस है, मेरे हिसाब से 50-60% के चांसेस है। मैं कोई टिकटॉक की साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि टिकटॉक की वापसी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी टिकटॉक और अन्य ऐप्स, 59 ऐप्स जो इंडिया में बैन हैं उनकी 31 जुलाई 2020 के बाद वापसी हो सकती है या नहीं, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है या नहीं, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। तो अपनी ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।